ये गोड़ लोहरे गम के आई जो मारा वीर बाबजी आ ए सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव जिले का कथित अर्धकाशी माना जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के देवालय है, उसी क्रम में वीर भगवान के भी जगह जगह पर प्राचीन मंदिर है। इस क्रम में रोहिड़ा में सरिता तट पर सुग्रीवेश्वर महादेव मंदिर के निकट वीर वापसी का स्थान है, जहाँ कूड़ावारा वीर वापसी कहते हैं। बताया जाता है कि एक समय इसी स्थान तक ब्रह्मपुरी थी, तब से इसे प्राचीन धरोहर के रूप में देखा जाता है। रोहिड़ा में इस स्थान पर वीर वापसी की ध्वजा धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर खीर व शीरे की प्रसादी की गई, जिसको लोगों ने श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में रणजीत पटेल, गोविंद मालवीय, प्रकाश टेलर, छोटू भाई माली, मफत सिंह, प्रकाश सिंह मकवाना, नरपत सिंह, भूरा राम गहलोत, प्रकाश माली, राजू जानी सहित अनेक लोगों ने अपना सहयोग किया। बहुत ही प्राचीन स्थान माना जाता है। रोहिड़ा से कोटड़ा मार्ग की ओर जहाँ पर सरिता सुकली नदी है, उस नदी के तट पर सुग्रीवेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, और उसी मंदिर के निकट यह वीर बावसी का मंदिर है, जिसे कूड़ा वाला वीर बावसी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के वार्षिकोत्सव के अवसर पर यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा कर श्रद्धालुओं ने ध्वजा चढ़ाई। इस अवसर पर भगवान वीर बावसी की विशेष पूजा की गई, अंग रचना की गई, आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसका वहाँ पर उपस्थित लोगों ने दर्शन लाभ लिया। जबकि यहाँ पर वीर बावसी की ज्योत भी निरंतर वार्षिकोत्सव को लेकर जलती रही। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है, जहाँ पर खीर की प्रसाद बनती है, उसी प्रकार से शीरा भी बनता है। वैसे वीर वापसी को खीर की प्रसाद काफ़ी चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि वीर वापसी को यह प्रसाद काफ़ी प्रिय है, इसलिए जहाँ जहाँ भी वीर वापसी के मंदिर है, वहाँ पर विशेष रूप से खीर की प्रसादी तो बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मातर और शीरा भी बनाया जाता है, जिसका भगवान को भोग लगाया जाता है, और भोग लगाने के पश्चात यह प्रसाद यहाँ पर दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं के बीच बांटा जाता है। वैसे यह मंदिर कितना प्राचीन है, उसके बारे में अभी तक पुस्तक जानकारी नहीं है, लेकिन यह मंदिर काफ़ी प्राचीन माना जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि इस स्थान पर कभी ब्रह्मपुरी हुआ करती थी, जो ब्रह्मपुरी आज रोहिड़ा में। इस कार्यक्रम में केवल बड़े ही नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी इसका भरपूर आनंद उठाते हैं और इस मेले में शरीक होते हैं, और भगवान वीर बावसी की प्रसाद को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से आज के इस मेले में भी बड़ों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी इस मेले में पहुँच कर वीर वापसी की प्रसाद ग्रहण की, जबकि बुजुर्ग व्यक्ति भी यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर पहुँच कर भगवान की प्रसादी ग्रहण की। वैसे महाप्रसाद है, जो पंगत लगाकर ग्रहण किया जाता है, उस क्रम में यहाँ पर पंगत की भी व्यवस्था थी। ये वीडियो हमें रोहिड़ा से रणजीत पटेल ने भेजा है, जो आपकी सेवा में भेजा जा रहा है।